82 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव का निधन। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल मिली आखिरी सांस। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। उन्होंने आज सुबह 8:16 पर अंतिम सांस ली। वह 82 साल के थे। मुलायम सिंह यादव गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर थे। पिछले रविवार से उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। मुलायम सिंह यादव के निधन पर सपा कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई है। पहलवान और शिक्षक रहे मुलायम सिंह यादव, लंबी सियासी पारी खेली। 3 यूपी के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में रक्षा मंत्री भी रहे। उन्हें बेहद साहसिक सियासी फैसले लेने के लिए भी जाना जाता था। आपको बता दें कि 22 अगस्त को मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। मुलायम सिंह यादव को 1 अक्टूबर की रात से ही आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। मुलायम सिंह यादव का मेदांता हॉस्पिटल के एक डॉक्टर का पैनल इलाज कर रहा था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके परिवार के अन्य सदस्य उनके साथ ही हैं। दिल्ली से उनका शव लखनऊ लाने की तैयारी की जा रही है। यहां से फिर इटावा ले जाया जाएगा। कल 3 मुलायम सिंह यादव का सैफई में अंतिम संस्कार किया जाएगा। उधर मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में पहुंचे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर जानकारी दी और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे। मुलायम सिंह यादव के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव के पुत्र और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके भाई रामगोपाल यादव से फोन पर बात की और संवेदनाएं व्यक्त की। मुलायम सिंह यादव का निधन अत्यंत दुखदायी है। योगी सीएम योगी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन अत्यंत दुखदायी है। उनके निधन से समाजवादी के प्रमुख स्तंभ और संघर्षशील युग का अंत हुआ है। सीएम योगी ने कहा है कि ईश्वर से दिग्गंत आत्मा की शांति की कामना करते हुए और उनके शोकाकुल परिवार को मेरी संवेदनाएँ हैं। यूपी सरकार ने 3 के राष्ट्रीय शोक की भी घोषणा भी की है। मुलायम सिंह यादव के निधन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। प्रियंका गांधी ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख समाचार मिला है। भारतीय राजनीति और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के रक्षा मंत्री व सामाजिक न्याय के सशक्त पुरोकार के रूप में उनका अतुल्य योगदान हमेशा याद रहेगा। अखिलेश यादव व उनके सभी परिजनों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं हैं। ईश्वर मुलायम सिंह यादव को श्री चरणों में स्थान दे। भावुक हुए पीएम, कई तस्वीरें ट्वीट की, उनका निधन पीड़ा देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर काफ़ी भावुक नजर आए। उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट करते हुए मुलायम सिंह यादव के बारे में बहुत कुछ लिखा। इसके साथ ही उन्होंने मुलायम सिंह यादव की अपनी कई तस्वीरें ट्वीट की। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट की श्रृंखला में लिखा कि मुलायम सिंह यादव जी एक विश्लेषण व्यक्तित्व के धनी थे। उन्हें एक विनम्र और जमीन से जुड़े नेता के रूप में व्यापक रूप से सहारा गया, जो लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील थे। उन्होंने लगन से लोगों की सेवा की और लोकनायक जेपी और डॉक्टर लोहिया के आदर्शों को लोकप्रिय बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मुलायम सिंह यादव जी ने यूपी और राष्ट्रीय राजनीति में अपना अलग पहचान बनाई।